फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल कॉन्टिनेंटल क्रिस्पी ड्रॉप्स बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है, तो स्टार्ट करेंगे जल्द से बनाना। कॉन्टिनेंटल ड्रॉप्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे बटर। 2 चम्मच बटर डाला मैंने और अब इसमें हम डालेंगे ये बेल पेपर्स। ये मेरे पास रेड और ग्रीन है, येलो अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास हो तो आप वो भी डालिए। इसमें हरी वाली आधी आधी बेल पेपर है ये छोटी, और थोड़े से हैं ये मेरे पास कॉर्न, ये भी डाल देंगे बीच में। बटर में हल्का सा कुक करेंगे इनको। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास मैदा है। 1-2 मिनट बटर में सब्जियों को कुक करने के बाद इसमें हम 3 छोटे चम्मच मैदे के ऐड कर देंगे। फ्लेम को कर लेंगे स्लो और इसको थोड़ा सा सब्जियों के साथ ही भून लेंगे। ये देखिए 1/4 टीस्पून जितना मैंने नमक डाला, नमक हम बहुत कम ही डालेंगे, और थोड़ी सी काली मिर्च। 1-2 मिनट मैंने ये अच्छे से इसको भून लिया, जो मैदा ऐड किया था सब्जियों और बटर के साथ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास है दूध, 1/2 छोटा गिलास दूध का है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसको गाढ़ा होने देंगे। कॉन्टिन्यूसली स्पून या स्पैचुला जो भी आपके पास है वो इसमें चलाते रहेंगे ताकि इसमें लंप्स ना आए। ये 1/2 छोटा गिलास पूरे का पूरा मिल्क मैंने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छा गाढ़ा होने देंगे। अच्छी गाढ़ी कंसिस्टेंसी हो गई इसकी। इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच मिक्स हर्ब या ऑरिगेनो जो भी आपके पास हो अवेलेबल, और चिली फ्लेक्स। फ्रेंड्स, ये 1/2 कटोरी मेरे पास चीज है, पिज्जा चीज, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ और इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस मिक्सचर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल डो फॉर्म में आ जाएगा। डो फॉर्म इसकी बन गई है, देख सकते हैं आप। अब ये मेरे पास 3 छोटे चम्मच मैदे के हैं, इसमें पानी ऐड करके हम एक स्लरी बना लेंगे इसकी। और फ्रेंड्स, ये मैंने ब्रेड क्रम्स रखे हैं, फ्रेश ब्रेड के ये क्रम्स बना के रखे हैं। ये देखिए, स्मॉल सा पोर्शन लेंगे। ये अगर आपके हाथ पे थोड़ा चिपक रहा है तो आप हल्का सा ऑयल का हाथ लगा लीजिए और इस तरह से छोटे छोटे इसके ये ड्रॉप्स बना लेंगे, बॉल्स बना लेंगे, और इसको इस स्लरी में डिप करेंगे और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे अच्छे से। जितने भी ड्रॉप्स हमने रेडी करने हैं इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाकर हम रखते जाएंगे। ये देखिए, सभी ड्रॉप्स जितने भी मैंने बनाने थे रेडी कर लिए। अब हम इनको करेंगे डीप फ्राई, एक एक करके इसमें डालेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रॉप्स बहुत ही बढ़िया लगते हैं, क्रिस्पी होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, हर तरफ से ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे क्रिस्पी हो गए। इसको अब हम निकाल लेंगे और मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। क्रिस्पी कॉन्टिनेंटल ड्रॉप्स बनकर बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही डिफरेंट और यमी स्नैक्स बनते हैं।
जरूर से ट्राई कीजिए आप इस रेसिपी को, घर में छोटी सी पार्टी हो या फिर स्पेशल गेस्ट आना हो, बहुत ही पसंद आएंगे। और फ्रेंड्स प्लीज कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।